हुद हुद आ गया अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान दे दरबार विच पैगंबर नू वेखिया बड़े जलाल विच ने हुद हुद आ गया हुण आंदे आई नाल ही ए तरीका तको आंदे आई नाल अपने परां नू जमीन ते बिछा के चोंच जमीन ते टेक दिती अदब नाल पैगंबर के सामने अदब नाल झुक गया ऐ सुनियो बिराओ ते झुक के ते अपनी जबान नाल हुद हुद कहंदा है या नबी अल्लाह मेरे बारे फैसला करन तो पहला उस रब कोलो डरियो जिने आप नू जाहो जलाल दिता है ख्याल करियो उस मालिक से डरना के जिसने आपको ये जाहो जलाल दिया सुलेमान नल गल नबी नल इतनी गल हुद हुद कीती अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान दी तबीयत विच नरमी आ गई ये गल सुन के ना ये गल सुन के अल्लाह के पैगंबर की तबीयत में ये जवाको को गल करने वाला तो नरमी आनी ये सारी जोड़ी चोको मन तारीफ करने वाली हां जी मलक जी तुम्हारी पार्टी नाराज ना मैं उन गल नसीहत वास्ते ये सारे जेडे रोज हफ्ते हफ्ते मीटिंग हो रही ने जितने जोड़ी चोकन ना वजीर मशीर सारे कहने बिल्कुल निजाम ठीक है भाईया इमरान दबी रख कदी दो चार सा आखन डर अल्लाह को ते कौम को जवाब की दे से कम अज कम या इक्तदार छोड़ दे सी या से कम कर सी ए पहले भी ना मशीरा मरवाया नवाज शरीफ और ते ना आने बीच को लुट पुट के नो कोई मसला ही नहीं तोड़े नाल फस गिला हुन तक दर पदर पे फिरने जलील पे होने रुसवा पे होने ये कोई जिंदगी है लिहाजा मशीर जब डराए हजरत जनाबे उमर फारूक मदीना मुनवरा में कैद पड़ गया कैद पड़ गया तो फरमाया लोगों मुझ में गलती देखो तो मुझे डराओ ताकि मैं बाज आ जाऊं एक बंदा उठ खड़ा था उसका क्या उमर पता लगा कि तू रोटी दे सालन नल खाना ते नाल कदरे कदरे चटनी भी बनाना ते बाकी कौम कैद पे आ गया तुझे किसने हक दिया है कि तू साथ चटनी भी खाए सालन काफी नहीं है तेरे लिए उमर ने कहा कि आज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके बंदों में मुझे कोई डराने वाला है उमर आज के बाद चटनी नहीं खाएगा ऐसे हुक्मरान बनते हैं ऐसे ऐसे कौमें बनती है ऐसे तब्दीली आती है अब सुनिए क्या हुआ हुद हुद ने जदों किया अल्लाह दे पैगंबर सुलेमान दी तबीयत विच नरमी आ गई फरमाया यार हुण गल सुन मेरी या तो अपने गैब होण दी कोई वजह बयान कर वरना मैं सजा तेनू सख्त दियांगा उन्हें अर्ज की थी या नबी अल्लाह जदो तुहाडा तख्त उड़ना पे आ जे टाइम रा नया मैं डिटी ते पहुंच वंजी आ लेकिन नाल मैं दरख्त ते बैठा एक और मेरे नाल दा परिंदा हुद हुद आण के बह गया मैनू कहंदे तू किथों दा रहण वाला है मैं किया मैं पाकिस्तानी जमीन ते रहना वा इन्हां जंगलां विच और नाल वाला मैनू कहंदे मैं ते अफ्रीका तो आया वा उड़ के मैं जिस मुल्क विच रहना वा जिन्हां दरख्तां ते उत्थे औरत हुक्मरानी कर दी है मुल्क सबा आवे ओ लोग अल्लाह नू पूजा नहीं करदे बल्कि सूरज दी पूजा करदे ने ओ मेरा नाल वाला मैनू परिंदा कहंदा अगर शक होवी ते आ उड़ के जाने आ मैं तेनू विखाना वा या नबी अल्लाह मैं चला गया देर हो गई खबर ऐसी लेके आया वा जड़ी औरत तोड़े रब दी पूजा नहीं कर दी या नबी अल्लाह माफ करो अल्लाह दे नबी ने किया हुद हुद अगर तू अपनी गल विच सच्चा वे हुणे पता लग जांदा ले जा मेरा खत बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन रब्बी लगफूरुर रहीम अल्लाह आपको इज्जत हजरत सुलेमान खत लिखा जी बिस्मिल्लाह से आगाज किया ते फरमाया जाके मेरा खत उस बादशाहजादी उस हकूमत दे जनाब महल विच तख्त दे कोल सट देवी फिर इलादा हो के उड़ के बह जावी तकी हो जवाब की देंदे ने
हुद हुद खत लेके चला गया, जाके बिल्किस मुल्के सभा भी सुटिया। बादशाहजादी ने पूछिया, हाय हाय खत खोलिया, खत खोल के पहला सफाई पढ़ के नजर मार के कह दियो, ओ मेरे दरबारियो, ओ मशीरो ते वजीरो, मेरे वाल कोई खत आया वे ते खत लिखण वाला कोई बड़ी इज्जत वाला वे। अभी सुलेमान को जानती नहीं है वो, तारफ ही नहीं है, पहला खत ही पढ़ के अपनी ऐ जिस खत में लिखा ना ये कोई बड़ी इज्जत वाला, इज्जत वाला, इज्जत वाला। उन्हें मैनू कहा कि जल्दी कर मेरे रब दे, आके कलमा पढ़ ले, तौबा कर, सूरज दी पूजा छोड़ दे, अग दी परत छोड़ दे, रब पर ईमान लिया। ओ दरबारियो की कहंदी हो, उन्हें कहा छोड़, इंज बड़े चबड़ा सा तक इन खत लिखने आ, डराने आ, धमकाने आ, ऐ जमनी है सा धमकाने, ये अमेरिका, ये बरतानिया धमकाना ना, हाँ तो फिर आए इतने आवे ने, ये कुमरान नहीं 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 अमेरिका ने दबा दिया, ओह अल्लाह ने बंदिया, ये अमेरिका कितने कितने दबाया, फिर क्या होया, कुछ नहीं होया। हाँ इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखे, ईमान को, ईमान को, ईमान को। अमेरिका गालिब नहीं है, गालिब मेरा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सबसे ज्यादा गालिब। उन्हां विच कई जज्बाती मशीर वजीर यारा सरदार कबीले थे, सबाज उसके बिल्किस के, और जिस तख्ते पे नहीं है 80 गज चौड़ा, 40 गज लंबा, 7 मंजिलियां उदियां, सोने ते चांदी दा बनया होया, हीरे जवाहरात। जी जी यारा सरदार है कबीले दे, हर सरदार के पास 10,000 से ज्यादा लश्कर था। हाँ जी पावर वाली सुपर पावर आई बिल्किस, उना दरबारियां के या सरदारां के या मलका सी कोई कमजोर नहीं आ के कोई हुकूमत दूजी खत लिख देवे सी डर जाइए, ना ना बिल्कुल नहीं, असी अपनी जगह ते कायम आ। उन्हें क्या नहीं ठहर जाओ, हिकमत ये कहती है कि चलो कोई बंदा भेज देने आ, कोई बंदा भेजने आ, कासिद एलची भेजने आ, जरा टेस्ट करने आ, उन्हें कोई तोहफा गिफ्ट गिफ्ट देने आ, मुमकिन है राजी बंद का हो जाए, केड़ी लोड़े असा लड़ाई करनी, इन्हें झगड़े जे पैने नहीं। हाँ हाँ जी जी आखने साड़ियां कुमदनियां नहीं, केड़ी लोड़े भाई लड़ाई करनी, इंडिया नाल कश्मीरी मरी नहीं ते बह मरी मर, अमेरिका नाल केड़ी लोड़े पंगा करने नहीं, ते ये गौरी ते ये मिसाइल ते एटम कहने वास्ते बनाए ने साडे वास्ते, वो जे पंगा ना ने आ गिणना, जंग ना ने आ करनी ते बनाए कहने वास्ते नहीं, असा मार सो जेडे इत्थे बैठे आ, पंगा लाओ, पंगा लाओ से तो कुछ गल बनसी। अगली बात सुनिए, अल्लाह उन्हें क्या कोई एलची भेज दे, बिल्किस शहजादी ने अपने मुल्क जो जुनाब एक एलची भेजे आज जिन्हों सोने दी इट इट सोने दी दे के भेजे आके जा सुलेमान नल मुजाकरात कर, उन्हों सोने दी इट देवेगा खुश हो जाएगा। उधरों एलची टुर पिया, इधरों अल्लाह दे नबी ने हजरत सुलेमान ने किया, हजरत सुलेमान ने किया, जिन्नो जी नबी अल्लाह फरमाए इंज करो ना, मेरे महल दे बाहर जड़ा अल्लाह ने सहने, इंज करो ना इस सारे लान दे अंदर सोने दिया इटा लगा दियो। या अली सोने नहीं आटा लाओ भाई, अला वो एलची जब गिन के आया ना दरबार विच, ओ कई गिलाफां विच पर्दियां विच तुहानूं पता बादशाहां फिर जिहड़ियां चीज़ां होनियां कोई एवें तां नहीं हाथों हाथ नपाने, तुहानूं पता बड़े एजाज नाल बड़े शानो शौकत नाल होली, ओ जब इट लै के आए ना ते सुलेमान ने दरबार विच जब बड़े ना गा ते उन्हां तकिया ते पूरा फर्श ही सोने नहीं इटां ना, ओ अपनी जी शोरे पै गए वाह सी इक इट सां के दिसां जणे ने पुत्रे ते पूरा फर्श ही इटां ना बनाया वा उन्हें नहीं। अब जब देखा तो शर्मिंदा हो गए, तो वापस हजरत सुलेमान ने भेज दिया कि उसे जाकर बताना ये जड़ी तू चक्रे जे ना मां कोई तोहफे तायब दे के कोई सोना चांदी दे के तू मेरा मुंह बंद कर छोड़ से, नहीं नहीं बात एक ही है कि मेरे रब की आकर पूजा कर, अल्लाह को मान एक तो बात खत्म, नहीं तो तैयार रह जंग के लिए,
जंग के लिए। अल्लाह उन्हें दरबारियां नल फिर मशवरा कीता हुण की हो सकदा है। सुलेमान बड़ा गुस्से विच उन्हें क्या गुस्से विच ते रहण दे आण दे उन्हें पता लग जाएगा उन्हें साड़ी पावर दा। उन्हें क्या ना ना ए गलती ना करियो जदो कोई दूजियां फौजां मुल्क विच दाखिल होंदियां ने औरतां दियां बच्चियां दियां खवातीन दियां इज्जतां महफूज नहीं रहिंदियां। मर ते मर कतल होंदे ही ने लोग औरतां नाल भी ज़ियाती करदे ने। पर वाह मेरे करीमा का हाय 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 ये अमेरिका रूस है तेरा दोस्त जहाँ बबारी करे ते सुनेस कर दे। ये मेरे नबी का दीन है। मेरे नबी जब भी फौज लेकर चलते थे हुजूर फरमाते थे सहाबा लबैक या रसूलल्लाह। फरमाया खबरदार जब जंग में जाना तो जो कौम के बूढ़े ज़ईफ हैं उन्हें उनकी औरतें हैं उनके बच्चे हैं खबरदार उन पर हाथ न उठाना। ये हुजूर फरमाते थे अपनी फौज को फरमा उस कौम के दुश्मन के बूढ़े उनकी औरतें उनके बच्चे उनके जानवर खबरदार उन पर हाथ भी न उठाना। बस उन्हीं से जंग करना जो तुम्हारे मुकाबले में तलवार लेकर आए। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ अगर कोई औजार फेंक दे तलवार तो तुम्हें फिर भी यह हक हासिल नहीं कि उसे कत्ल करो। ये इस्लाम बताता है। इस्लाम हूँ तू ते मैं ना पढ़ा हुए थे फिर बकरी गाले नहीं। इस्लाम बताता है नबी बताते उन्हें क्या इज्जतें महफूज नहीं रहनिया तैस तो नैस मुल्क हो जाने ने। 19वां पारा सूरह नमल मैं तो मोटी मोटी गल्लां पे करना इसको पढ़ना सूरह नमल को। जुलेखा कहंदी है हुण बस गल इतनी है कि जंग नहीं करनी आखिरी हरबा मैनू इस्तेमाल करन दियो मैं आप जानी हां हाय हाय मैं जानी हां उहदे नाल गल करनी हां उधरों बिलकीस चल पई मुल्के सबा तो। अल्लाह दा कुरान कहंदा मुल्के सबा और सुलेमान दे हकूमत महल तक एक महीने दा सफर। कितना जी एक महीना लगता था एक महीना उस मुल्क से इधर आते हुए एक महीना लगता था। उधरों बिलकीस चल पई इधरों हजरत सुलेमान अपने दरबारियां विच बैठे ने चल दिया जद इस्लामाबाद दे करीब आ गई। अल्लाह दा कुरान कहंदा है बाईपास ऐन समझ लो फैजाबाद इन सदर आता हो पीछे हो ओ टी चौक प्रभात को बाईपास जी ऐन समझ लो 5 मील। कुरान कहते हैं जब सुलेमान के महल से 5 मील दूर बिलकीस पहुंच गई अल्लाह दे नबी ने किया दरबारियो बिलकीस मेरे वाला रही है खुद खुद दसिए जिस तख्त बैंदी है बड़ा आलीशान है 7 कमरियां विच बंद है चौकीदार पहरेदार लगे हुए ने कौन है जड़ा बिलकीस दे आन तो पहले उदी हकूमत विच जावे किसे नु पता भी ना चले कख भी ना हिले तख्त चुके मेरे दरबार विच ले आवे। वो तो मुझे बादशाह समझती है उसे क्या पता कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। जरा जाओ केड़ा जना तोड़े चो अल्लाह अल्लाह अब सुने जी अब सुने अल्लाह दा कुरान कहंदा है दरबारियां विच्चों जिन बोलिया इफरीत जिन्ना दा सरदार काला इफरीत मिनल जिन्ने अनाती कभी ही कबलान तकूम मिन मकामिक वइन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। जिन खड़ा होया जी जिन कहंदा या नबी अल्लाह जे इजाजत दियो ते मैं ले आउना वा। फरमा देर कितनी लाएगा अल्लाह दा कुरान कहंदा है 19वां पारा सूरह नमल पढ़ियो मैं इब्तिदा खुतबे में सारी आयतें पढ़ के तुसा सुनाईयां अरबी विच जी। अल्लाह दा कुरान कहंदा है जिन इफरीत कहंदा है या नबी अल्लाह दोपहर तक तुहाडा दरबार खत्म हो जाएगा। दोपहर खत्म होने है अजे 5 मील दूर है उदयान चो जे टाइम रहंदा वे मैं उस तो पहला तख्त ले आवांगा कबलन तकूम मिम मकामिक कबल इसके के तुसी इस मकाम से उठे आप जगह बदले व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन मैं कवि भी हूँ कवियुन अमीन। और उस तख्त में जो हीरे जवाहरात सोना है
उस तो भी कोई हेरी फेरी मैं ना कर लगा, अमीन भी हूँ, बिल्कुल अमानत समझ कर लाऊंगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, कुवत वाला भी अल्लाह। अल्लाह दे पैगंबर ने किया यार मने तू ताकत वाला भी है अमीन भी है, लेकिन देर ज्यादा प्याला ने कौन जड़ाई दे कोल जलती ले आवे, हाय हाय इस को भी जल्दी अल्लाह। अगली आयत कुरान की पढ़े, कौन जड़ा जल्दी ले आवे, ओए सजना ए मौलवी पीर किसे और दा बनाया या किसा कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह बयान बयान पिया कर दे जिदा फरमान है वे जाले कल किताब ला रही बफी। इस कलाम विच कोई शक नहीं, ला रहे बे ला रहे बे अल्लाह रहमान पिया कहंदे जदों आपने किया कौन जड़ा और लेके आवे, फिर अगली आयत पढ़ना कौल लजी इंदहु इल्म मिनल किताब, दरबारियां विच्चों जिन नहीं दियो नहीं बल्कि औलाद आदम बोली बंदा बोलिया, हजरत सुलेमान दा उम्मती भी ये, हाँ हाँ हजरत बाजिया ने लिखे है कि आपकी खाला जात भाई भी था, बाजू ने ये भी हजरत सुलेमान दा खाला जात, खाला समझने हो ना, माउनी बहन मासी पंजाबी विच है, खाला जात भाई भी था, आसिफ बिन बरखिया उसका नाम था, उसका नाम जो खड़ा हुआ दरबार में आसिफ बिन बरखिया खड़ा हो गया, जो खालाजात भाई भी है आपकी उम्मत में आपका गुलाम भी है, हाँ जबूर दा हाफिज भी है, आप दी काबीना दा मशीर भी है, नाले अल्लाह दा वली भी है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, ऐ सुनियो भाई अल्लाह का वली, आए आए अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, आए वली वली अल्लाह का दोस्त वली, आए हाय हाय हाय। हजरत मियां साहब आरफे खड़ी बोले आप फरमाने कलम ऐ कलम जड़ी लिखनी जी, आए हाय हाय अल्लाह, आप फरमान ने की फरमान ने एदी लिखण दी ताकत अल्लाह कदे कदे अपने दोस्तां नू दे देंदा वे, अपने वलियां नू वलियां नू अल्लाह दे देंदे, अल्लाह दे देंदे, आए हाय हाय कुर्बान जावा कुर्बान जावा, जुत्तन जुत्तने ओए हर कोई खेडे ते हारने खेडे, फकीरा ओए जुत्तन दा मुलकोडी पेंदई ते हारण दा मुल हीरा, मैं बिर बिराउ मलक मुजतबा नहीं गल कर सक, ये तो दा पांच सात आठ बंदे खलते जितने एक ही है ना, मिर्जा साहब तुसा भी मुबारक होवे, हां जिथे बे सुनने हो ना ना कोई संगीत जित गए कोई गल नहीं, लेकिन मलक साहब तुसा भी मुबारक होवे, हार के भी तुसा किया मैं मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, ऐ तुसा मुबारक बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी मुल तोड़ा हीरा ही उन पोसी, मखलूक खुदा की जो खिदमत करता है ये बात याद रखे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, हाँ जी ये सीट तो आनी जानी है, खिदमत जारी रहती है, जुत्तन जुत्तन हर कोई खेडे हारण खेडे, फकीरा जुत्तन दा मुलकोडी पैंदई ते हारण दा मुल हीरा, ओए कलम रबानी हाथ वलियां दे लिखे जो मन भावे, ओए वलियां नू रब ताकत बख्शी, ओए लिखे लेख मिटावे, अल्लाह अपने वलियों को ये ताकत देता है, एक
कमली वाले ना उम्मती नहीं हजरत सुलेमान ना उम्मती ने आसिफ बिन बरखिया उदा नाम है आपनी काबीना ना मशीर है अल्लाह ना वली है तकिया ना किताब दा हाफिज उठिया हाफिज बिन बरखिया उठिया कहंदा या नबी अल्लाह जे इजाजत देवे ते मैं ले आउना वा हजरत सुलेमान ने कहा यार ओ जिन्ना दा सरदार कहंदा है दोपहर तक तू कितनी देर लाएगा अर्ज कीती या नबी अल्लाह देर ते दुआ जिन्ना कुल होंदी है अल्लाह दे वलियां कुल देर नहीं होंदी अल्लाह के अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह उन्हें कहा या नबी अल्लाह देर दियो जिन लाउंदे ने अल्लाह दे वली देर नहीं लाउंदे फरमाया ओए आसिफ बिन बरखिया इन्हें किया मैं दोपहर तक ले किया मांगा तू कितना टाइम लेगा उन्हें किया या नबी अल्लाह कब लाई और तरफुक कुरान है जी वो कहते हैं कबला अंत तकूम में मकाम 19वां पारा कबल इसके कि आप इस मकाम को छोड़ें ये कहता है कबला यरतदा इलैका तरफुक या नबी अल्लाह कबल इसके कि आप आंख झपके महीना वजने ना तो महीना आवने ना दो महीने ना सबर जी मुल्क सभा ना हजरत सुलेमान नहीं हुकूमत को लो दो महीने ना सबर ते जना की आख ना मैं अख जमकड़ को लो यार कोई तुक बंडी तुक बंडी बाघ जमकड़ तो कोई है इस जदीद दौर में कोई है इतना तेज और नहीं यार नहीं बड़ा मुश्किल है कबल अन यरतदा इलैका तरफुक आंख झपकने से पहले लेकर आऊंगा आए हाय अल्लाह दे पैगंबर ने किया यार बड़ी वड्डी गल कर छोड़ी आ किथे भी कहंदा हुजूर एलो अल्लाह एलो आंख झपकने से पहले दो महीने तको ना अकल नहीं मनी अकल उड़ भी नहीं मनी लेकिन अल्लाह ने कहा मानना पड़ेगा मेरे करीम नबी मेराज करके आए डंड पै गई मक्के आलिया अबू लाभ ते अबू जाल कहने ए तको ना नवी गल सुनो कहंदे मैं रातो रात सऊदी अरब मक्के विचों फलस्तीन चला गया बैतुल मकदस किबला वल रातो रात मुड़ भी आया असी आखने नाउज़ बिल्ला मुहम्मद झूठ बोलता है तको नवी गल उन्हें के अबू बकर को पूछो इदा अपना में इनकार करे हाँ हाँ उन्हें के अल्लाह अबू बकर कोई ये कवे मैं राती फलस्तीन गया सैर की थी मुड़ के आया आसमान दिया बुलंदिया दे गया मनेगा फरमाया कल नहीं मन दी उन्हें किया कदे कल तेरा रसूल कवे फरमाया खबरदार चुप हो जा नबी दी गल पिया करने इतनी अकला ते दलीला दी गल नहीं अगर मेरा नबी इस तो अगे कोई गल कह देवे अबू बकर वो भी मन लवेगा इन्हें माना इन्हें माना इन्हें जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर से प्यार करने वाले अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह उन्हें किया या नबी अल्लाह आला जदों हजरत सुलेमान ने तख्त में किया फरमाया काला हाजा मिन फजले रब्बी सुलेमान मुस्कुराए ने तख्त को देकर फरमाया दरबारियो ओए हैरान ना होवियो के जना उठे भी कोई नहीं ते जनाब दो महीने ना सबर ते तख्त किन गिनाया फरमाया ये मेरे अल्लाह का फजल है हाय अल्लाह का अल्लाह का अल्लाह का फजल है जब अल्लाह का फजल हो जाता है अल्लाह का फजल हो जाता है फिर कोई चीज बईद नहीं रहती अल्लाह कर देंदे कर देंदे कर देंदे अल्लाह रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन